सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? विक्रम बने माधवन की वाइफ की क्या है स्टोरी? मैडी को किस बात का इंतजार है? माधवन किसकी तरह फिट बनना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। विक्रम वेधा 2017 में रिलीज हुई थी, तब वेधा के रोल में नजर आए थे एक्टर विजय सेतुपति और विक्रम के रोल में नजर आए थे आर माधवन। वही फिल्म में एडवोकेट वाइफ प्रिया के रोल में एक्ट्रेस श्रद्धा श्रीनाथ दिखी थी। और इन दिनों विक्रम वेधा अपने रीमेक को लेकर चर्चा में हैं, जिसके वेधा बने हमारे सुपरस्टार ऋतिक रोशन और विक्रम बनेंगे सैफ अली खान। फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ एक प्रोफेशनल एडवोकेट और साड़ी लुक में नजर आई थी, लेकिन रियल लाइफ में एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस और टैलेंटेड है और अभी तक तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी हैं। श्रद्धा का जन्म 29 सितंबर 1990 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनके पिता रेजिमेंट में एक ऑफिसर हैं और माँ एक स्कूल टीचर है। श्रद्धा ने अपनी पढ़ाई लिखाई लगभग पूरे भारत में रहकर की है, क्योंकि इनकी फैमिली ऑलमोस्ट हर जगह जैसे सूरतगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद और तेलंगाना में रह चुकी है। लेकिन इन्होंने बेंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में आगे की पढ़ाई की थी। लॉ करने के बाद इन्होंने एक लीगल कंपनी के साथ अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थी। इसके साथ काफी फिल्मों और एड में भी काम करती रहती थी और पहली फिल्म कोहिनूर में इनको सेकंड लीड रोल मिला था। और अब साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस में आज इनका नाम भी गिना जाता है। विक्रम वेधा में विक्रम उर्फ माधवन से किसी एक इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे गए थे और एक सवाल था, आपको किसकी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार है? क्योंकि अब जबकि इनकी फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है तो डेफिनेटली इन्हें एक्साइटमेंट तो होगी ही। और माधवन की विक्रम वेधा में उन्होंने एक ईमानदार पुलिस वाले का किरदार निभाया था जो गैंगस्टर वेधा का सामना करता है, और इसी तरह के रोल में वो भी रीमेक में देखना चाहते हैं कि कौन कैसा रोल प्ले करेगा। जबकि जब प्लंज यही सवाल किया तो वो बोले, मैं डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना चाहता। हालांकि ऋतिक रोशन काफी हैंडसम लग रहे थे, लेकिन मुझे सैफ को देखने का इंतजार है क्योंकि वो मेरा किरदार निभा रहे हैं और मैं देखना चाहता हूं कि वो किस तरीके से मुझे मात देकर आगे निकल पाते हैं। आपको बता दें कि रहना है तेरे दिल में मूवी में सैफ और माधवन को एक साथ देखा गया था, लेकिन उसमें सैफ ने माधवन को मात दे दी थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार माधवन ही असली हीरो रहते हैं या फिर सैफ बाजी मार के आगे निकल जाते हैं। विक्रम वेधा एक तमिल गैंगस्टर पॉप ड्रामा मूवी थी और माधवन ने ऋतिक की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि वो इस मूवी में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। माधवन ने आगे कहा, वो ऋतिक की तरह फिट होना चाहते हैं क्योंकि वो कैटरीना कैफ के साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि विक्रम वेधा के फर्स्ट लुक में ऋतिक को एकदम फिट देख कर माधवन की दिल की इच्छा बाहर आ रही है। आगे माधवन ने कहा, मैंने और ऋतिक ने एक साथ समय पर शुरुआत की थी और आज के टाइम पर भी एक्टर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अगर उनकी तारीफ करता रहूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हर रोल में बहुत फिट हो जाते हैं और मुझे भी उनकी तरह फिट होना है ताकि मैं कैटरीना कैफ के साथ काम कर सकूं। तो आगे आने वाले टाइम में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि माधवन कितना खुद को मोटिवेट कर पाते हैं और कितना खुद को फिट रख पाते हैं। बाकी जब भी हम और आप ये मूवी देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि कौन कितनी शिद्दत से कोशिश करता है और इस फिल्म को सफल बनाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, इस बार सैफ अली खान अपनी फिल्म विक्रम वेधा में माधवन की एक्टिंग को पीछे छोड़ पाएंगे? डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नाउ। थैंक यू।